भाई देख मैम की तो पैंट फट गई। भाई भाई वो देख लड़की आ रही है। आगी क्या? देख अभी उसकी सीट पे ये फेविक्विक लगा देता हूँ। क्या हुआ मैडम आपकी पैंट फट गई क्या? शेम शेम बप्पी शेम शेम शेम। ये क्या घटिया हरकत है, ये क्या किया तुमने? पूरी बस के सामने मेरा मजाक बना कर रख दिया। अबे ओ हमें ज्यादा ज्ञान मत दे समझी। अरे बस वालो इधर देखो मैडम की जीन्स फट गई। ये भी गई। वो देख लड़की आ रही है अभी उसकी सीट पे फेविक्विक लगाता हूँ। भाई लड़कियों के साथ ये सब करना ठीक नहीं है यार। अबे तू करके तो देख हमारा रोज का ही है, मजा आएगा। ये क्या हरकत किया तुम दोनों ने मेरे साथ? हाँ शर्म नहीं आती तुम दोनों को? शेम शेम पप्पी शेम। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम लोगों को कोई जवाब नहीं दूंगी, चुप करके सहती रहूंगी जो तुम मेरे साथ कर रहे हो? नहीं ऐसा नहीं होने वाला, देखना आज तुम दोनों के साथ क्या हशर होगा। अबे ओ धमका किसको रही है, मैं किसी के बाप से नहीं डरता, और बुला जिसको मर्जी बुला, हम यही खड़े हैं। हेलो भैया मैं ना घर के पास वाले बस स्टॉप पर ही हूँ, यहाँ पर बस में दो लड़के मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, आप प्लीज एक बार जल्दी यहाँ पर आ जाइए। आप एक बार आइए तो सही फिर बताती हूँ मैं आपको, आप जल्दी आइए। देखना तुम क्या हुआ बहन? भाई मैं यहाँ सीट पर बैठी थी और जब मैं उठी तो पीछे से मेरी पैंट, इन लोगों ने मेरी सीट पर फेविक्विक लगाया था। अबे ओ ये हरकत दूसरे लड़कियों के साथ करता, तूने मेरी बहन के साथ क्यों करी? अरे भाई मेरे को नहीं पता था तेरी बहन है। अच्छा तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी बहन के साथ ये हरकत करी? कॉलर छोड़ उसका। अब क्या हुआ तुझे, अब बहुत गुस्सा आ रहा है जब पता चला कि तेरी बहन के साथ वो सेम हरकत हुई है जो हम लोग रोज बसों में दूसरी लड़कियों के साथ करते फिरते हैं। मैं तुम दोनों को हमेशा रोकता था कि कभी भी किसी लड़की के साथ इतनी गिरी हुई हरकत मत करो कि कल को सिर्फ हमें शर्मिंदा ही होना पड़े, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी और मैं भी हमेशा दोस्त के नाते तुम्हारा साथ देता रहा, कभी नहीं सोचा कि हमारी बहन के साथ भी ऐसा हो सकता है, और आज वही हुआ, तेरी बहन के साथ वैसी हरकत होगी जो हम लोग दूसरी लड़कियों के साथ करते हैं। आज तुझे इस बात का अच्छे से एहसास हो गया होगा कि जब बात अपने पे आती है तो कैसा महसूस होता है। आज तेरी बहन को जैसा फील होता है वैसा ही वो दूसरी लड़कियों को भी होता होगा, वैसा ही उनके भाइयों को भी होता होगा जैसा अब तुझे गुस्सा आ रहा है। एक बात याद रखियो, लड़कियों की इज्जत सिर्फ लड़कियों की इज्जत ही नहीं बल्कि उसके परिवार की इज्जत भी होती है। अगर हम लोग दूसरों की इज्जत पे हाथ डालेंगे तो कल को कोई हमारी इज्जत पे भी हाथ डाल सकता है। भैया क्या कहा इस लड़के ने, ये आपके दोस्त हैं? आप भी बसों में ये सब हरकतें करते हो लड़कियों के साथ? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा खुद का भाई इतनी गिरी हुई हरकतें करता है, शर्म आ रही है मुझे आपको भाई बुलाने में। अरे बहन बहन दोस्तों, वैसे तो सब बोलते हैं कि लड़का और लड़की एक समान है, पर जब एक लड़की घर से बाहर निकलती है काम करने के लिए तो कुछ लोग उनकी आजादी छीनना चाहते हैं, उनके साथ जबरदस्ती करते हैं, उनको डराते हैं, जो कि सरासर गलत है। लड़कियों को भी आजाद होने का, बाहर निकल के काम करने का पूरा हक है, और जो लड़के उनके साथ बदतमीजी करते हैं वो एक चीज याद रख लें कि घर में उनकी भी बहन है, उनकी भी माँ है, वो भी एक लड़की है, और लड़कियों की इज्जत करना हमारा फर्ज है, ना कि उनके साथ छेड़छाड़ करना। तो दोस्तों आप भी ये फर्ज निभाएं और इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें कि लड़कियों के साथ ऐसा कब तक चलता रहेगा, कमेंट जरूर करें।